अभी हाल में ही इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें पाकिस्तान आया था, और उससे दो महीना पहले पाकिस्तान में एशिया कप होने वाला था, तो भारत ने डिनाय कर दिया और बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो एशिया कप श्रीलंका में करना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंड्स न्यूज पर। अगर आप नए आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यह भारत पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाएगा, ये ऐसा लिखा है पाकिस्तान के खुद अखबार ने। पाकिस्तान के एक अखबार ने लिखा है कि कितना भी हो जाए, पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप चला भी गया क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान में भारत कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि आजकल जो दुनिया में बीसीसीआई का वर्चस्व चल रहा है ना, वो किसी से छुपा नहीं है। गेट पर अकेला राज करने वाला बीसीसीआई आज पूरी दुनिया में जो कह रहा है उसी चीज को ऐलान किया जा रहा है। यानी कि कुछ लोग ये भी बोल दिए हैं कि आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, और आए दिन भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। कश्मीर वैली में आतंकी घुसकर हमारे जवानों को मारते रहते हैं, तो ऐसे में भारत बोला था कि आतंकवाद और खेल व्यापार दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को पहले अपने रवैये से बाज आना चाहिए, उसको पहले सुधारना चाहिए, तब हम इसके बाद हम सोचेंगे कि व्यापार करेंगे या पाकिस्तान के साथ खेल करेंगे। ऐसे तो भारत पाकिस्तान को हर बार वर्ल्ड कप में हो या बॉर्डर पर कूच कूच कर पिटाई करता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता है। जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया है उसको साफ देखकर पाकिस्तान के अखबार ने ही छाप दिया, भारत तो आने वाले चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएगा। ऐसे आपको क्या कहना है, पाकिस्तान जाना चाहिए भारत को? कमेंट में अपना राय रखिए। इस वीडियो को लाइक, न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।